हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक और मल्टीबैगर स्टॉक या कंपनी जो कि मेनली एफएमसीजी सेक्टर के अंतर्गत आती है। और कंपनी का नाम वो काम देखने से पहले हम देखते हैं कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों लगभग सेम है, 13.67 और 13.50। और वही बात करें कंपनी की लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ की तो वो 0.56 है, जो कि बेहद कम है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो कंपनी का हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट जो है मैक्सोकोइल, तो उसकी सेल्स ग्रोथ में कमी देखने को मिली है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया है, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए इरिटेंट फील करवाता है। तो इसलिए कंपनी के लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ में कमी देखने को मिली। और अब वही बात करें कंपनी के रिजर्व डेथ की, तो कंपनी में रिजर्व भी अच्छा खासा रखा है और डेथ भी कम है एज कम्पेयर टू रिजर्व। और अब हम देखते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो 4,438 करोड़ का, और अभी करंट प्राइस चल रहा है 120.85। और कंपनी का बाउंड्रिक हाई व कंपनी का बाउंड्रिक लो आप देख सकते हो 85 एंड 185। और अब हम देखते हैं कंपनी की डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड लगभग ठीक है 2.48, और वही स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो है 25.74। और इंडस्ट्रियल पी देख सकते हो 29.25, तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो लेकिन हम कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखकर ये जज नहीं कर सकते कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लेकिन यदि हम इस कंपनी की लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो वो हमेशा 40 से ऊपर ही रहा है, और ये अभी करेंटली मिल रहा है हमें अप्रोक्सीमेटली 26। तो इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये कंपनी जो है अभी अंडर वैल्यूड है। तो जैसे कि मैंने कंपनी की सेल्स ग्रोथ में कंपनी का प्रोडक्ट बताया था मैक्सोकोइल, तो मुझे लगता है आप कंपनी का नाम जानते होगे, और नहीं भी जानते हो तो कंपनी का नाम है ज्योति लैब्स लिमिटेड। तो अब हम देखते हैं कि ये ज्योति लैब्स लिमिटेड जो ये काम क्या करती है। तो ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है ऑफ फैब्रिक केयर। तो ये फैब्रिक केयर के कौन कौन से प्रोडक्ट है तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। और आप देख सकते हो डिश वॉशिंग, पर्सनल केयर एंड हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स प्रोडक्ट। तो इनकी सेल्स ग्रोथ में कमी आई है, इसलिए कंपनी के लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ कम है। तो अब हम देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट। तो कंपनी के प्रोडक्ट आप देख सकते हो मैक्सो ग्रेट कोयल है, मैक्सो ग्रेट लिक्विड वोपेराइजर है, और जीनियस लिक्विड वोपेराइजर, और वही मैक्सो ग्रेट अगरबत्ती भी है। तो अगरबत्ती और ये इसके उपयोग में जो है थोड़ी कमी आई है, तो इसलिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो कम हुई है। और वही आप देख सकते हो कंपनी का जो है उजाला सुप्रीम है, उजाला क्रिस्पेंड शाइन है, और वही उजाला डिटर्जेंट भी है। तो आपने ये जरूर यूज किया होगा। और वही बात करें एक और प्रोडक्ट की, तो कंपनी जो है डिश वॉश बार भी बनाती है, ग्रीन स्क्रबर भी बनाती है, और सुपर जेल भी बनाती है, स्टील स्क्रबर और एक्सो पाउडर आप देख सकते हो। ये यहाँ पर सारे प्रोडक्ट की इमेज दी गई है। और वही और भी बात करें कंपनी के प्रोडक्ट की, तो कंपनी हैंड वॉश बनाती है, फेस वॉश बनाती है, हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लिसरीन्स और ओरिजिनल नीम। तो ये देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं। और ये प्रील लिक्विड भी बनाती है, प्रील बार भी बनाती है, और प्रील ड्यूरा स्क्रब भी बनाती है, और ये हेनको भी बनाती है। कुछ हेनको के नाम से भी इसके प्रोडक्ट आते हैं, जो कि हेनको मेटिक होते हैं, जो कि टॉप लोड फ्रंट लोड और हेनको स्टैंड केयर बार होते हैं। तो जैसा कि आपने कंपनी के प्रोडक्ट देख लिए हैं, तो कंपनी के कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, और आपने प्रोडक्ट जरूर यूज़ किए होंगे। और यदि यूज़ नहीं किए हो तो आप एक बार यूज़ करके जरूर देख लें कि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं या खराब है। और अब हम देखते हैं कंपनी का चार्ट। तो कंपनी का चार्ट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, तो आप देख सकते हो 1 ईयर में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। लेकिन हम वही लॉन्ग टर्म के विजन से कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम ईयर में कंपनी का चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और ये काफी अट्रैक्टिव चार्ट है। इसने कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाई है, केवल यहीं से ये थोड़ी नीचे आई है। तो आप देख सकते हो कंपनी, और अभी रिसेंटली में इसका करेंट प्राइस जो है 117 चल रहा है। यदि हम इसमें इन्वेस्ट, हो सकता है 2 या 3 सालों में ये 200 को क्रॉस कर सकती है। और अब हम देखते हैं कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो किस प्रकार का है। तो आप वो देख सकते हो ये यहाँ पर बेहद लोएस्ट आया था, ये यहाँ पर बहुत लो है, लगभग 19.6, और यहाँ पर भी लगभग लो ही है। और आप देख सकते हो यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 30 है।
और यहाँ पर 35 है, और यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 61 है, और यहाँ पर 68 है, और यहाँ पर भी देख सकते हो 38। तो ये मतलब वो लगभग 30 या 35 से हमेशा ऊपर ही रहा है, या 40 के ऊपर ही रहा है अधिकतर समय, अधिकतर टाइम। और ये अभी रिसेंटली में हमें हमें 24 में मिल रहा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये अभी हमें अंडर वैल्यूड मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कंपनी के प्रोस वो कौन से। तो देख सकते हो कंपनी के लिए प्रोस ये है कि इसने अपने शेयर होल्डर्स जो है उनको हमेशा से एक हेल्थी डिविडेंड प्रोवाइड किया है, 41%, लगभग 41% का डिविडेंड प्रोवाइड किया है। और वही कौन सी की बात करें तो लास्ट के 5 ईयर में कंपनी की ग्रोथ जो है वो केवल 2.47% ही हुई है, और लास्ट के 3 ईयर्स में कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। तो ये नेगेटिव साइन है। और अब हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो इसे हम इन डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल कुछ बेसिक सी चीजें देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो लगातार इंक्रीज हुई, केवल फाइनेंशियल ईयर 2018 व 2020 में डिक्रीज हुई थी। और वही बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी किसी किसी ईयर में डिक्रीज हुआ है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर डिक्रीज हुआ था 2011 में, और वही 2013 में भी डिक्रीज हुआ है, और वही 2020 में भी डिक्रीज हुआ है। और वही अब हम देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी कुछ इसी प्रकार का रहा है, तो कभी इंक्रीज हुआ है और कभी डिक्रीज हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा से ही इंक्रीज हुआ है। और इस कंपनी के लिए सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि इसने हमेशा से ही अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हो 38, 39, 59, 45, 205, 67, 60, 116, 52, 5, 54 और 65, मतलब वो एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड किया है अपने शेयर होल्डर्स को। और अब हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। तो इसमें हम देखते हैं रिजर्व। तो रिजर्व हम देख सकते हैं कंपनी ने अपने रिजर्व को लॉन्ग टर्म में हमेशा से इंक्रीज किया है, केवल किसी साल ही कंपनी का रिजर्व है जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और वही बात करें बोरोइंग की, तो बोरोइंग लगभग यहाँ पर सबसे हाईएस्ट हो गई थी, फिर उसको अच्छे से मेंटेन किया है और फिर से उसे एक ऑप्टिमम लेवल पर रखा है और फिर से डिक्रीज किया है। तो मतलब ये पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए, और कंपनी ने बोरोइंग को ज्यादा ऊपर जाने नहीं दिया है। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस कंपनी में मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो प्रमोटर है, और प्रमोटर की लगभग 62.89% होल्डिंग है। लेकिन नेगेटिव साइन ये है कि प्रमोटर ने लास्ट में अपने लास्ट के कुछ ईयर्स में अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस किया है, मतलब कम किया है, और वही इन्होंने अपनी होल्डिंग को कुछ शेयर्स को प्लीच पर भी रखा हुआ है। तो ये नेगेटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और ये मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, मेरा पर्पस केवल इस कंपनी के बारे में बताना था। तो आप अपनी रिसर्च व रिस्क के अनुसार ही इन्वेस्ट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।